वियोजन अभिक्रियाएं, डीकंपोजिशन रिएक्शंस, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकर्मक मींस कोई जो कंपाउंड होता है वो टूटकर या स्प्लिट होकर दो या दो से अधिक सरल उत्पाद या यू कैन से टू आर मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बनाता है। मतलब एक कंपाउंड टूटेगा और दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस बनाएगा। तो उदाहरण के तौर पर ये देखिए, आप ये फेरस सल्फेट का हम वियोजन ले सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ये जो फेरस सल्फेट हमारे पास में है लेबोरेटरी में होता है, वो वास्तव में फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के क्रिस्टल है, FeSO4.7H2O। मीन्स इट कॉन्टेंट 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब इसमें 7 क्रिस्टलन जो है वो जल है। तो ये देखिए क्रिस्टल जो है कलर में कैसे हैं, अगर हम इनको ध्यान से देखें तो ये कलर में हरे हैं। इन्हें हम जली फेरस सल्फेट क्रिस्टल या हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट कहते हैं। तो अब वियोजन अभिक्रिया प्रारंभ करने में सबसे पहले हम इनको गर्म करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। आइए इसे गर्म करते हैं। देखिए इसे गर्म किया जा रहा है और इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या होगा। गर्म करने पर ही अपना क्रिस्टलन जल त्यागेगा और जो टेस्ट ट्यूब होगी उसकी दीवार पर ये क्रिस्टलन जल हमें दिखाई भी देगा। मतलब सबसे पहले क्या होगा, क्रिस्टलन जल जब ये त्यागेगा तो ये एनहाइड्रेस फेरस सल्फेट बनाएगा जो कलर में सफ़ेद होगा। मतलब ये जो हरा कलर है धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा और सफ़ेद कलर आना इसमें शुरू होगा। थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब को यहाँ आगे की तरफ लाके बता भी दीजिए जरा सा, क्या चेंज आ रहा है, चेंजेस बताइए जरा। हाँ ये थोड़ा सा जो चेंजेस है ये आप देख रहे हैं, और कीजिए आप, और गर्म कीजिए। इसमें जल की बूंदें आ गई हैं क्या? Yes. ये भी बता दीजिए आप, जल की बूंदें पास में लाकर जरा, ये देखिए ये इसमें जल की बूंदें इस तरह से आ गई है। ठीक है, आप और गर्म कीजिए, आप थोड़ा सा इसको आप तो गर्म करने पर सबसे पहले ये अपना क्रिस्टलन जल त्याग रहा है और ये एनहाइड्रेस फेरस सल्फेट बनाएगा जो कलर में सफेद होगा और वो बन रहा है, आप देख रहे हैं। फिर ये एनहाइड्रेस फेरस सल्फेट को हम और गर्म कर रहे हैं, थोड़ा सा आप इसकी वो थोड़ा और स्ट्रांगली इसको गर्म कीजिए थोड़ा सा। अब ये सफेद कलर धीरे धीरे ब्राउन कलर में चेंज होगा। अब जब थोड़ा हल्का हल्का नीचे से बता भी दीजिए, ब्राउन ब्राउन कलर में चेंज होते जा रहा है। हाँ बिल्कुल करिए आप गर्म। ये ब्राउन कलर जो है फेरिक ऑक्साइड का होगा और इस फेरिक ऑक्साइड के बनने और सफेद से जो रंग ब्राउन हो रहा है इसके होने की प्रोसेस में SO2 और SO3 ये दो गैसें भी ऊपर से इसमें निकलेगी। ये हल्का हल्का गैसेस भी ऊपर से निकलेगी जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड होगी। सल्फर की स्मेल को हम दूर से महसूस कर सकते हैं। गर्म कीजिए इसको अच्छा। ठीक है ठीक है। तो ये जो फेरस सल्फेट है जो हमारा व्हाइट कलर का फेरस सल्फेट हो गया था, ये फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाएगा और इसे ही हम वियोजन अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन रिएक्शन के तौर पर लेते हैं।
ये देखिए ये गैसेस भी इसके मुंह से निकलते हुए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये बर्निंग सल्फर की स्मेल आप अपनी नाक की तरफ अगर इसको दूर से लाएंगे तो बर्निंग सल्फर की स्मेल भी आपको दिखाई देगी, महसूस होगी। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये देखिए बर्निंग सल्फर की स्मेल महसूस की जा सकती है, और ये इस तरह से ये वियोजन अभिक्रिया हमारी हो रही है, और हम देख रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारा जो फेरिक ऑक्साइड है वो पूरी तरह से तैयार, और ये ब्राउन कलर देखिए आप, ये पूरी तरह से ब्राउन हो चुका है, देखिए पूरी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको बंद कर रहे हैं, मैं आपको इसको दिखाता हूं। देखिए ब्राउन, ये देखिए, ये देखिए ये फेरिक ऑक्साइड बन गया, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर